उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर के थाना बीबी नगर हापुर वार्डर में दुर्गाष्टमी उत्सव व मेले का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि अंग्रेजी शासन में राजा उमराव सिंह की जमींदारी थी। उन दिनों कुचेश्वर किला राजा उमराव सिंह की पोत्री की शादी पंजाब प्रांत में की गई थी। पोत्री के कोई संतान न होने पर वह अपने घर किला कुचेश्वर आई थी, जहां पर एक दुर्गा देवी माता मठ था। जो पुजारी इस मठ में पूजा करते थे, उन्होंने कहा कि माता रानी से संतान उत्पत्ति के लिए मन्नत मांग लो, वह आपकी मुरादें जरूर पूरी करेंगी। कुछ दिन बाद ही उनको संतान की प्राप्ति हो गई। तब उन्होंने माता का मठ के पास ही एक मंदिर का निर्माण कराया और उसमें देवी माता रानी की मूर्ति विराजमान कराई। लगभग 250 वर्ष पहले मूर्ति की स्थापना हुई थी और वह आज भी मंदिर में विराजमान दुर्गा माता की मूर्ति अष्ट धातु की बनी है। आज दुर्गाष्टमी के दिन मुख्य अतिथि मनोज तिवारी सांसद कुचेश्वर किला पहुंचने वाले थे, परंतु किन्हीं कारणों से नहीं पहुंच पाए। वहीं कर्नल विक्रम सिंह परिवार के द्वारा फीता काटकर मेले का उद्घाटन किया। मेरे हिसाब से यहाँ पर 100-150-200 किलोमीटर की रेडियस से आते हैं, और बल्कि ये भी होता है कि जो लोग यहाँ के पले पड़े हैं या जिनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है और वो अलग अलग देशों में रहें और यहाँ अलग अलग स्टेट्स में गए हैं, वहाँ से भी लोग आते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ अष्टमी पे आते हैं, वो लोग आते ही रहते हैं थ्रू आउट द ईयर, पर अष्टमी पे यस बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। सांसद जी का प्रोग्राम था सर, किस कारणों से ये सांसद जी नहीं आ पाए? देखिए, सांसद जी से हम जब पहले मिले थे, उन्होंने कहा था कि वो यहाँ पर पहले भी आ चुके हैं, तो इस वजह से उन्होंने कहा था कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। उनके अष्टमी होने के कारण उनके 4 प्रोग्राम्स थे, उन्होंने कहा कि जैसे ही अगर जो फिट बैठता है तो मैं चाहे आधे घंटे या 10 या 15 मिनट के लिए भी आऊँ, पर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। आज उनका जो प्रोग्राम था सुबह से, जैसे जब बैक टू बैक प्रोग्राम्स होते हैं कहीं ना कहीं डिले तो हो ही जाती हैं, तो इस वजह से उनकी तरफ से यही हमें सूचना मिली कि उनका प्रोग्राम डिले है, इसलिए वो नहीं है। तो उन्होंने कहा हमारी तरफ से जो हमारा मैसेज है वो ज़रूर आप सबको दीजिए, और वही हमने आपको बोला और वही हमने उनसे भी रिक्वेस्ट किया था कि सर आप भी अपनी तरफ से यही चीज़ें हमारी जनता को बोलेंगे, बताएंगे, उसी का प्रचार करेंगे। क्या प्रोग्राम रखा था आज आपने और क्या ये आयोजन था, किसके तरीके इसको आयोजित किया गया? देखिए, ये हमारी बहुत पुरानी पुश्तैनी जगह है, कोई 250-300 साल पुरानी है। इसमें 1734 का ये इस्टेब्लिश्ड एक बहुत पुराना किला है। इसके अंदर हम लोग जैसे 5th या 6th जनरेशन के लोग हैं, बट जो हमारा मंदिर है वो है, इसकी प्रथा 250 साल पहले से है। जैसे पहले ये एक मठ था, उसके बाद जैसे पहले बताया गया आपको कि इसके अंदर बहुत सारी प्रार्थनाएँ हुई, मन्नतें मांगी गईं, और जब वो वाकई सच आई तब उसके बाद ये बहुत ही सुंदर मंदिर बनाया गया। उस मंदिर के साथ साथ हर अष्टमी पे इसका एक मेला आयोजन किया जाता है, और ये जो मेला है जो आप देख रहे हैं ये लगभग मेरे हिसाब से 101 साल से ज़्यादा का ही होगा। अपने अपने तरीके से वो बढ़ता चला गया और आज ये देखेंगे आप कि बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत जगह तक ये फैला हुआ है। लेकिन हमने इसे सोचा कि इस बार हम इसको थोड़ा सा और बदल के इसमें थोड़ी और चीज़ें ऐड करते जाएं, कि ना कि जो ये 100 साल पहले से चल रहा था, बल्कि आज 2022 के अंदर जो है इसके अंदर जो जो नई चीज़ें हम इसमें ला सकते हैं, जो हमारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जैसे कि टेक्निकल एजुकेशन, उनके लिए गाइडेंस, करियर गाइडेंस और बच्चों के एवेन्यूज़,
दसवीं के बाद क्या करना है, बारहवीं के बाद क्या करना है, इन सब चीज़ों की ट्रेनिंग के लिए हम यहाँ पर एक संस्था वाली तो मैं नहीं कह पाऊँगा, पर हम कोशिश ज़रूर करेंगे कि यहाँ पर कुछ ना कुछ एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर ज़रूर खुले। कहा जाता है कि अग्निवीरों की धरती कहलाती है, शहीदों की धरती है, क्या ऐसे प्रोग्राम बना रहे हैं क्योंकि यहाँ पर से ट्रेनिंग मिलिट्री की दी जाए इस जगह पर? देखिए, हम लोग जब मिलिट्री से जुड़े हुए हैं तो जब हम ये कहते हैं कि हम सिर्फ मिलिट्री के लिए ट्रेनिंग करें तो हम थोड़े से ज़्यादा ये सकते हैं कि एक बहुत जल्दी स्टेज पे चैनलाइज होने लगते हैं, जैसे वर्टिकल स्पेशलाइजेशन जिसे बोलते हैं। हम ये चाहेंगे कि एक बच्चे या एक छात्र की ओवरऑल डेवलपमेंट ऐसे स्टेज में आए कि वो ना ही सिर्फ मिलिट्री के लिए बल्कि और भी सारे एवेन्यू साथ ले कर चले। क्यों? क्योंकि जैसे मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, बहुत लोग इतनी सारी ट्रेनिंग लेके जब आते हैं वो लोग मेडिकली कोई डिस्क्वालीफाई हो जाता है, कोई दौड़ में रह जाता है, एकेडमिकली बहुत अच्छे हैं, तो क्या होता है कि ये लोग बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। बहुत लोग ये सोचते हैं कि अब हम क्या करें। यहाँ पर जब हम यहाँ पर जब डेवलपमेंट इस तरीके का देंगे, जब उनको हम ऐसी शिक्षा देंगे कि अगर जो आपका जो लक्ष्य है वो लक्ष्य सिर्फ ये यस सक्सेस के लिए एक लक्ष्य होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर जो वो लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ तो हम उसके बाद बिल्कुल डूब जाते हैं और बिखर जाते हैं। हमारा डिफरेंस यही आएगा कि हम उसको ओवरऑल डेवलपमेंट में गाइडेंस मिले कि अगर जो ये नहीं तो उसके साथ में पैरेलल और क्या क्या कर सकते हैं।